अब तक आपने देखा पूनम का अखबार छीनकर प्रियोम गुड्डी के साथ घर आता है और देखता है कि घर के छोटे भाई राजकुमार की वजह से घर की टंकी टूट गई है। बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर ने हंगामा मचा रखा है। इस बीच प्रियोम घर के अंदर छुपकर भाग जाता है। प्रियोम के पीछे अखबार लेने के लिए पूनम आती है और यहीं हम लाखन को देखते हैं जिसकी जुबान कम आंखें ज्यादा बोलती है। लाखन को देखते ही पूनम सहम जाती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। पूनम प्रियोम की खिड़की पर रिजल्ट वाला अखबार देखती है और खुश हो जाती है, लेकिन मिथिलेश पूनम से अखबार ले लेता है और वो अपना रिजल्ट नहीं देख पाती। पूनम गुड्डी के सामने कहती है कि इतनी मेहनत से उसने पढ़ाई की लेकिन किसी को उसकी पढ़ाई की परवाह नहीं है। और तभी बाहर से बैंड बजने की आवाज आती है और पूनम देखती है कि उसके पास होने की खुशी में प्रियोम बैंड बजवा रहा है। पूनम के पास होने की खुशी में लाखन भी दारू पार्टी देता है और वहां देर रात पूनम को भी बुलाता है। प्रियोम को लाखन का पूनम को पार्टी में बुलाना पसंद नहीं आता है और उसकी लाखन से बहस हो जाती है। लाखन पूनम की तरफ जाता है और तभी उसके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ता है। अब आगे क्या नौटंकी चल रही है? शराब हम भी पीते हैं मगर ऐसे बहकते नहीं। हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा घर की लड़की को यूं शराबियों के बीच बुलाने का? भैया लाखन की कोई गलती नहीं, दारू के नशे में हम ही पूनम को यहां बुला लिए। साले दारू पार्टी में एंटरटेनमेंट चाहिए था तो किसी नचनिया को बुला लिया होते। तुमसे नहीं हो रहा तो हमसे कह देते, हम अरेंजमेंट करवा देते। घर की लड़की को देर रात बुलाने का जुर्रत कैसे किया तुमने? गलती हो गई भैया। तुम कोशिश करो कि कभी गलती के अलावा भी कुछ कर सको तुम। कोई एक ऐसा काम जो कभी गलती से सही किया हो तुमने। प्रियोम की कोई गलती नहीं। शट अप। सजा नहीं मांग रहे तुम दोनों के, यही वजह है कि गलती भी गलती मिलता रहता है क्योंकि सब इसका दावेदारी करते हैं। शुक्र मनाओ के बाद हम तक रहा, बाबूजी तक पहुंच गया होता तो कोई दलील कोई वकालत काम नहीं आता, तो उनको गोली मार दिया होता, लाश पड़ा होता यहां। क्या पूनम को घर छोड़ के आओ? जी भैया। तुम नहीं प्रियो, लाखन छोड़ के आओ पूनम को। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था उनको। हमको बड़े भाई है ना, इज्जत करते हैं। और वो बात बात पे गुस्सा करते हैं। नाचने के लिए नहीं बुलाए थे हम आपको, वहां बधाई देना चाहते थे। कौन गलत किया? कौन गलत किया? हम नाचने के लिए बुलाए थे आपको वहां पे। अरे बोलिए, यही बात आपको समझ में आता है लेकिन उनको नहीं आता, और इन सब चक्कर में हम बधाई नहीं दे पाए आपको। बधाई हो। कोई गिफ्ट चाहिए? कभी कुछ नहीं मांगती हो तुम। अरे मांगो, अच्छा लगेगा हमको।
चिंटू की अम्मा, रात काफी हो गई है और रिक्शा भी बंद है, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ, हमको भी यही लगता है। जन्मदिन की पार्टी एकदम ब्याह जैसी थी, क्यों, मजा आया कि नहीं? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, वो कहे ना हम भी अपने चिंटू का। पुनिया के दुकान पे गिरवी रख के आया है। लाखन ठाकुर, गलती हो गया, रात के अंधेरे में हम आपको देखे नहीं ना, वो वास्ते हम ले जाते हैं। चल, रुक, झुमके निकालो जरा। लाखन ठाकुर, ये हमारे ब्याह पे मिला था, इसे मत लीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। डिस्टर्ब हो रहे हैं, दिखता नहीं है, निकलो। चलो चिंटू के अम्मा, अरे चलो लीजिए। हो गई, जाओ जाकर सो जाओ। झुमके निकालो जरा, निकालो जरा। लाखन ठाकुर, ये हमारे ब्याह पे मिला था। गिफ्ट उनमें। जी माँ। सब ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक है। अच्छा ठीक, सो जा, खिड़की बंद कर लेना, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। जी। दरोगा देखो, इस बार तुमको आउट करते हैं। बस आउट हो गए, हो गया काम, लाओ तो बैठ दो, हमारी बैटिंग है। निरंजन भैया, ऐसे कैसे आउट है हम? अरे भैया, हम आउट ही नहीं है। ठाकुर हमें, हम बोले आउट तो आउट, चलो। अरे वो दरोगा,
बैटिंग करने दो इसे। आज पहली बार इसे लड़कों वाले खेल खेलते हुए देख रहे हैं, खेलने दो, देखते हैं आज कितने छक्के मारता है छोटा ठाकुर। खेलिए ठाकुर साहब। हेलो, अरे तुम ही से कह रहे हैं, कर दी ना लड़कियों वाली हरकत, अगर पार्टी में नहीं आना था तो मत आती। मिथिलेश भैया से शिकायत करनी क्या जरूरत थी, इतना जोर का थप्पड़ मार दिया, मोच आ गई गर्दन में, अबे एक दो दिन तक किसी लड़की को ढंग से किस भी नहीं कर पाएंगे यार। अरे तुम ही से कह रहे हैं। हेलो, अब लग रही है मंचिता काके की बेटी, तुम्हारा जख्मी शेरनी वाला लुक। अरे अब तो गुस्सा थूक दो यार। हम क्यों गुस्सा होने लगे किसी से? कल रात के लिए ये तुम्हें जबरदस्ती तारू की पार्टी में बुला लिया। हम उस बात पर गुस्सा नहीं है। अच्छा, मतलब ये तो मानती हो कि गुस्सा हो। अच्छा चलो अभी बता तो दो किस बात पे गुस्सा हो यार, इसलिए तो नहीं कि हमें थप्पड़ पड़ गया? हमें पता है हमें थप्पड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाखन को तो पड़ता है। कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। और कहेगा भी क्या, अरे भाई है हमारा और उससे भी बढ़कर बचपन का दोस्त है। अगर हम दोनों दारू बांटकर पी सकते हैं तो थप्पड़ और गालियों का मजा उसे अकेले लूटने देंगे, वो भी मिथिलेश भैया, अरे बड़े भाई हमारे, हक बनता उनका, एक थप्पड़ लगा दे तो क्या हो गया? तुम ना अपनी पहेलियों में खुद ही उलझे रहो और मैं खुद ही सुलझा के, हम जा रहे हैं, हमें बहुत काम है। अरे अच्छा सुनो ना, सीरियस एक बात करनी है सीरियसली। अरे आओ तो सही। बोलो। थोड़ा वॉशिंग पाउडर है अपने चेहरे पर लगा लो, चमक आ जाएगी और साथ में तुम्हारे एक्सप्रेशन भी सुधर जाएंगे। खुद ही लगा लो, कम से कम तुम्हारा कैरेक्टर साफ हो जाएगा। क्या कहा हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमको कैरेक्टर ले समझते हो क्या तुम? देखो हमारा रिकॉर्ड है आज तक का, किसी लड़की को कभी धोखा नहीं दिया हम। हाँ तो साथ भी किसका दिए हो? देखो मैडम, हम रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही क्लियर कर देते हैं कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म मत सोचना, आगे वो जाने। हाँ तुमने बोला और हो गया, कितना आसान होता है ना तुम लड़कों के लिए किसी भी लड़की का दिल तोड़ना, और हम लड़कियों के लिए उतना ही मुश्किल। सेम टू यू, वो तुम लड़कियों का प्रॉब्लम है। अच्छा अरे जला जला, अरे यहाँ पे पड़ा यार। ऐसी नाटक करके लड़कियां पटाते हो ना तुम। अरे मजाक नहीं कर रहे यार, पानी लेके आओ प्लीज प्लीज, बहुत जल रहा है बहुत जल रहा है। हम जा रहे हैं नीचे। देखो देखो मस्ती मत करो हमारे साथ, प्लीज पानी लेके आओ, अरे बहुत जल रहा है यार। क्या हुआ? अरे जला दिया यार, जल्दी करो, अरे बहुत जल रहा है, अरे कुछ करो यार। सड़ी हुई शक्ल में ना तुम हिडिंबा लगती हो, ऐसी मुस्कुराया करो लाइफ में। आउ, अरे पैर तोड़ दिया हमारा, अरे नहीं नहीं थापी नहीं, अरे अरे लग गई। तो तुम अकेले जाओगे क्या फॉर्म लाने? नहीं, वो लाखन ने कहा था हमसे कि वो ले आएंगे हमारे लिए फॉर्म। क्या बात कर रही हो, मतलब हमारे बैल बुद्धि में अकल आ ही गई। अरे पूनम जी, भाभी भूल गई का, आज संडे का लंच है, तुम्हारी वाली स्पेशल दाल बनानी है, चाचा चाची आते होंगे। जी भुलवा दिया ना? ऊ कहे तो दिन, ऊ कहे तो रात, ऊ कहे तो आग लगा दो, ऊ कहे तो भादो बरसा दो। वाह, हम कहते हैं फूलन भैया ना हुआ तुम लोगों के भगवान हो गए का? आपको भनक तक है? आप भूषण ठाकुर से ना धीरे धीरे मुनीब बनते जा रहे हो। अरे आपके सुपुत्र उधर बड़ी हवेली में टंकी फट गई तो नौकर बन पैंट शर्ट उतार के उधर आंगन साफ कर रहा, बताओ। और इधर हम दिन भर खट खट के मर जाए, चूल्हे में मुंह डाल के बैठे रहे, अपनी फिक्र करने वाला कोई नहीं, सुन भी रहे हो कि भोंक भोंक के मर जाए हम।
अरे तुम कहां मरने वाली? का है? संजीवनी बूटी पिलाई का हमको? अरे नहीं, पर मरोगी नहीं। क्यों? कल रात यमराज भैया मेरे सपने में आए और कहने लगे, अरे भूषण तुम्हारी घरवाली तो खा पी के काफी हट्टी कट्टी हो गई, तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए 2 भैंसे लगेंगे और उसका बजट है नहीं, तो तुम्हारा मरना तो कैंसर, अब तो दाती पोता देख के ही मरोगी। अरे ये रह गया ना, पहनो। सीरियस बात के बीच में ना, आपके चुटकुले हमें जरा भी नहीं खाते, समझे? लेकिन भैया के हाथ का बना हुआ गोश्त जरूर भाएगा। चलो लेट हो रहे हैं पहले से ही, वरना गोश्त खत्म हो जाएगा। फिर वही भैया, आपकी जो घड़ी है ना, वो भी वो फुलन भैया की ही टाइम दिखाती है। बंटवारा हो चुका है। अरे अब तो पीछा छोड़ो। भैया ने बंटवारा जमीनों का किया ताकि दिल का बंटवारा ना हो, और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। कामयाब भी तो हुए हैं, तभी तो तुम दिन रात उन्हें भुलाकर भी नहीं भूल पाती। फिर से चुटकुला? नहीं, ये चुटकुला नहीं, सच्चाई। खैर तुम्हें नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी, अपने लिए घर में खिचड़ी बना ले, हम तो जा रहे हैं गोश्त खाने। अरे चलो लाकर। अरे रुको, अरे ऐसे कैसे ना जाए, एक ही दिन तो फुर्सत मिलती है रसोई से। अरे रुक। और यही तो वो दिन है जब हमें पता चलता है कि बड़ी हवेली में होका रहा है। हो गया अम्मा, थोड़ा इसको देखो। अरे ओ कलंकी नियो, गप्पे मारने के चक्कर में दाल में छौंका लगाना मत भूलना। भूषण और रेखा को छौंके वाली दाल बहुत पसंद है। फूलन, लगता है इस संडे को भी तुम्हारा बनाया मटन ही जीतेगा स्वाद में। चख के बताओ कैसा? पता है अब ठीक है। मिर्ची कम है पापा। पिंटो मिर्ची ला बेटा। अरे ध्यान से लाओ। इतना ना, चलो। इसको थोड़ी देर चलाते रहो, मैं आता हूं। अबे ढक्कन ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे तो चला रहे थे। ये देख ऐसे। लड़ाई मत करो उसके साथ। घुमा तो रहे थे। अगर प्रियम भैया को पता चल गया कि कल की पार्टी के बारे में हम मिथिलेश भैया को बताए थे, फिर तो हमारी लग गई। वो नहीं बोलेगा किसी को। अरे उसने तो लाखन का थप्पड़ भी खुद खा लिया। प्रियम चाहे जितनी भी मस्करी कर ले, लेकिन अपनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा वैसे तुम कॉलेज कब से जा रही हो? फॉर्म आ गया? पता नहीं हमारा स्कूल कब खत्म होगा और हम भी तुम्हारी तरह कॉलेज जा पाएंगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? तुम पढ़ाई की बात कर रही हो इसलिए। कौन कभी नहीं पढ़ने के लिए कॉलेज जाना चाहती है? हमें तो अपने बोरिंग स्कूलर से छुट्टी पानी है। कॉलेज के बहाने हर दिन नए नए फैशन वाले ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा। अच्छा हाँ, कल तुम हमारे साथ टेलर के पास चल रहे हो। हमने इंटरनेट पर कुछ डिजाइन देखे, तुम्हारे लिए बनवा देंगे। नहीं, हमारे पास कपड़े हैं। तुम्हारे कपड़े कितने बोरिंग है, हम सेक्सी वाले कपड़ों की बातें कर रहे हैं। अरे तुमने फिर वही वाला वर्ड बोला। अभी हम जा रहे हैं मिथिलेश भैया को शिकायत लगाने। रुको तुम। अरे राजकुमार यार, यहाँ तो आओ। अरे मिथिलेश भैया के पास जा। अरे तुमसे आज किसी ने बोला नहीं? इतने सेक्सी लग रहे हो यार, जरा देखो अपने आप को, देखो। सच्ची? जी मतलब जी यार। क्यों? थैंक यू नहीं, सजा मिलेगी। क्यों? जब वो वाला वर्ड बोलने से सजा मिल सकती है, तो वैसे दिखने से तो सजा बनती है। सही बात है। भैया देखिए, आप हमेशा गुड्डी की साइड लेते हैं, हम जा रहे हैं मिथिलेश। क्योंकि हमें तुम्हें छेड़ने में मजा जो आता है। मीटिंग खोल लूं। अरे नहीं। अच्छा सुनो, एक प्यारी सी किसी तो दे दो। ये क्या बात है? अरे भैया इनकी गाल छोड़िए, अपने कान का सोचिए।
मिथिलेश भैया आपके नाम का वारंट निकाले हैं बाहर, बहुत गुस्सा है। अरे इधर आइए आप। भैया लग रही है भैया, अरे भैया बहुत लग रही है, प्लीज हमसे। अरे भैया कान हाथ में आ जाएगा। कौन है ये? एक आदमी है टोपी पहने हुए। एक तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, एक जगह खींच के हमें भी दिख रहा है आदमी है। हम पूछ रहे हैं रिश्ता क्या है इससे। रिश्ता क्या भैया, आप भी अभी हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि लड़कियों को छोड़कर आदमी से रिश्ता बनाएंगे। भैया कल नहीं। कौन कल? अरे वो क्या कहा हुआ भैया, क्या बात कर रहे हो? फिर कब मिलोगे? जया, अरे प्रियोम भैया साइकिल में ब्रेक फेल है। भैया जी, प्रियोम भैया जानबूझकर कुछ भी नहीं किए, वो तो गलती से हमारी साइकिल पैडल मारते मारते कोठी तक ले आए। देखो भैया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ना हमने कुछ नहीं किया ऐसा। भैया तुम तो यार छोटी सी बात पर यार घर चले आए। तुम्हारी माँ के बेटे हैं हम भैया, एक ही तो माँ के बेटे हैं, आप ऐसा सौतेला ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं हमें? ये जो कांड आजकल तुम कर रहे हो, इससे हमें ये प्रतीत होता है कि माँ ही नहीं हमारे बाप भी अलग है। भैया एक साइकिल की तो बात है भैया। अरे तो वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं हम, यही तो प्रॉब्लम है कि एक साइकिल का बात है। स्टैंडर्ड देखिए इनका, ये साइकिल चुरा के लाए हमारे हमारे खानदान के नौनी हाल जो हैं, ये साइकिल। अरे चोरी करना था तो कुछ बड़ा करते। मारिए भैया, और भैया देखिए बहुत तंग करते हैं, इनको छोड़िए कि नहीं आज। अरे हमें क्यों मार रहे? भैया जी कितना पैदल चढ़ना पड़ा इनकी वजह से, हमारे घुटनों में दर्द हो गया। मारिए इस चोर के घुटने पे मारिए। क्या फरमाया? क्या भौंके? भैया जी आप चोर चोर बोल रहे थे तो जुबान फिसल गई हमारी। कैसे फिसल गया हमारे सामने? कैसे फिसल गया? मिथिलेश ठाकुर जो है अपने भाई से बात कर रहा था, उसका जो मर्जी होगा बोलेगा। तुम चोर कैसे बोले फूलन ठाकुर के बेटे को? कुत्ते का हिम्मत कैसे हुआ शेर के सामने गुर्राने का? राजकुमार जी भैया, साइकिल लौटा दो इसको, इसका टुकड़े करके। हाँ भैया अभी तोड़ देते हैं, साले हमारे भाई को कैसे बोला? अरे हटो तोड़िए, अरे हटो भैया मत तोड़िए। भैया मत मारिए प्लीज, मत तोड़िए भैया जी। भैया मत मारिए प्लीज, मत तोड़िए भैया जी। भैया बस बस काफी। अरे हाँ मिथिलेश, कैसे हो? क्या हो रहा बेटा? बस सफाई चल रहा है, आइए। खुश रहो बेटा। प्रणाम चाची। हाय देखो जरा चेहरा का इतना लटका हुआ है, इतले से फिर से मार पड़ी का? चाची उनके आशीर्वाद के बिना तो हमारा दिन ही पूरा नहीं होता है। ढंग का काम काज किया करो, घोड़े जैसे हो गए हो। बिल्कुल सही कहा चाची आप, इस बार तो हम कुछ पढ़ाई करेंगे। वैसे चाची ये सब असली है ना? पूरे 24 कैरेट। क्या बात है चाची, मतलब कम से कम 3-4 किलो सोना तो होगा इसमें। 700 ग्राम? सच? पर तू इतना अगली बार हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो चाची को ही लूटेंगे। बदमाश कितना
मजाक करता है। गला ही सूख गया हंसते हंसते। हम जरा भीतर जाते हैं बदमाश। अरे ओ कल्याण भैया, आप चोर नहीं है भैया? साइकिल बहुत पसंद थी तुम्हें भैया। गरीब की पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। हमारी कमाई का इकलौता साधन थी ये। इस पर हम रोज घर घर जाकर डाक पाटा करते थे। अब पैदल ही जाना पड़ेगा। बाइक चलाना जानते हो? आज से बाइक तुम्हारी हुई।